कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO और कर्मचारी भविष्य निधि सब्सक्राइबर्स को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN जारी करता है। तो आपको बता दें कि UAN एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है जो स्थायी नंबर भी होता है। वहीं UAN एक सदस्य के पूरे जीवन काल तक वैध होता है। तो इसकी खास बात ये है कि UAN के इस्तेमाल से मेंबर एम्प्लॉयज अपने EPF खाते को आसानी से कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप अपना UAN नंबर भूल जाते हैं या आपसे खो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस नंबर को फिर से पाया जा सकता है। जी, इस नंबर को पाने के 3 तरीके हैं जिसके बारे में हम आपको वीडियो में डिटेल में बताएंगे। हालांकि आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। जी हाँ, तो सबसे पहले UAN जानने के लिए EPF खाता धारक का मोबाइल नंबर EPFO के साथ रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। वहीं UAN नंबर के साथ बैंक खाता नंबर या फिर आधार या फिर पैन में से कोई एक KYC पूरी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप मिस्ड कॉल से अपना UAN नंबर दोबारा कैसे पा सकते हैं। तो EPF खाता धारक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 0112290146 पर मिस्ड कॉल देनी होगी। वही मिस्ड कॉल देने के कुछ ही सेकंड्स में EPFO एक मैसेज आपको भेजेगा। इस मैसेज में मेंबर एम्प्लॉयज का UAN, EPF खाता धारक का नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या, अकाउंट में आखिरी कॉन्ट्रीब्यूशन और कुल प्रोविडेंट फंड बैलेंस की डिटेल होगी और इसी तरह आपको अपना UAN नंबर पता चल जाएगा। वहीं दूसरा तरीका है SMS के जरिए। जी हाँ, तो अगर आप SMS के जरिए अपना UAN नंबर जानना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको EPFOHO UAN ENG लिख कर 7738299899 पर भेजना होगा। वहीं हिंदी में अगर आप SMS मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको EPFOHO UAN EIN लिखकर भेजना होगा। मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड्स में EPFO से मैसेज आपको मिलेगा जिसमें UAN समेत अन्य जानकारी होगी। और तीसरा और आखिरी तरीका है ऑनलाइन। तो अगर आप अपने UAN की जानकारी ऑनलाइन तरीके से जानना चाहते हैं तो आप इन तरीकों को फॉलो करें। सबसे पहले आप epfindia.gov की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद सर्विस सेक्शन में जाएं और मेंबर UAN या ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा। पेज खुलने में राइट साइड में इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में नो योर UAN नंबर पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद सिंपली अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना होगा और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा। और OTP आते ही आपको OTP को डालना है और फिर कैप्चा एंटर करके सबमिट करना है। इसके बाद नया पेज खुलेगा। इसमें PF खाता धारक को कुछ जानकारियां डालनी होगी जैसे कि नाम, जन्मतिथि और आधार या पैन या मेंबर ID PF खाता संख्या। फिर कैप्चा डालकर शो माई UAN पर क्लिक करें और UAN आपको मिल जाएगा। तो आप इन 3 तरीकों में से किसी भी तरीके से आप अपना UAN नंबर दोबारा से पा सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप india.com पर ज़रूर लॉग इन करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।